खाना बना लेती हो? जी हाँ, सबसे अच्छा क्या बना लेती हो? खीर हलवा। अरे अरे वाह, फिर तो हमें रोज मीठा खाने को मिलेगा। आप भी पूछ लीजिए हमारे बेटे को क्या क्या बनाना आता है। बहन जी, कैसी बातें कर रही है, लड़कों से भला ये सब कहाँ पूछा जाता है। वैसे हमारी बेटी अपनी जॉब के साथ साथ आपके घर का भी खूब अच्छे से ख्याल रखेगी। क्यों नहीं बहन जी, आजकल तो लड़कों को भी थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए। वैसे इस मेरे नालायक बेटे को थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है। और बेटा, आपकी जॉब कैसी चल रही है? सुना है आपका प्रमोशन हो गया है। अंकल जी, बहुत बढ़िया जॉब चल रही है और अभी SBI में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटा, आप लोगों को आपस में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी मुझे तो आपकी बिटिया बहुत पसंद है। तो आप कहाँ पर जॉब करती हैं? जी, मैं केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश टीचर हूँ। बहन जी, आज का मिलना मिलाना तो बस फॉर्मेलिटी ही है। हमें तो आपका बेटा तभी पसंद आ गया था जहाँ हम भतीजी की शादी में मिले थे। फिर तो पंडित जी से बात करके जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। जी बहन जी, बिल्कुल। आंटी जी, वो शादी तय हो जाने से पहले मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि शादी के बाद मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा अपने माँ पापा को दूंगी। बेटा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? बेटा, ऐसा नहीं होता है। तुम ऐसी कोई शर्त नहीं रखोगी। मम्मी पापा, आप दोनों ने न जाने कितने दुख सहकर और कहाँ कहाँ से पैसे लेकर मुझे इस काबिल बनाया है। मैं आज जिस मंजिल पर हूँ उसके लिए आप दोनों ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, पर मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। पापा, आपने तो न जाने कितने सालों तक अपने लिए नए जूते भी नहीं खरीदे और माँ ने उन्हीं दो जोड़ों में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। और अब जब मैं इस काबिल बन गई हूँ कि मैं आप लोगों का सहारा बन सकूँ और आप लोगों के कर्ज उतार सकूँ, तो आप लोग मेरी शादी करवा रहे हैं। क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आप लोगों की जिम्मेदारियाँ कुछ कम कर सकूँ? अगर मैं शादी करके इस घर से चली जाऊँगी तो आपका सहारा कैसे बन पाऊँगी? इसीलिए मैं आप सबको ये बात बता देना चाहती हूँ कि बेशक मैं आप लोगों के साथ यहाँ नहीं रहूँगी, पर आपके लिए हुए कर्जे ज़रूर चुकाऊँगी। इसीलिए मेरी सैलरी का आधा हिस्सा मेरे इस घर के लिए और आधा हिस्सा मेरे होने वाले घर के लिए होगा। बेटा समझा कर, ऐसा नहीं होता है। रुको, मैं भगवान का लाख लाख धन्यवाद करना चाहूंगी कि उसने मेरे बेटे के लिए इतनी अच्छी लड़की चुन कर दी। जो लड़की अपने रिश्तों को इतनी अहमियत देती है, अपने माँ बाप और अपने घर के बारे में इतना सोच रही है, तो वो अपने होने वाले घर और रिश्तों को भी अहमियत देगी। बेटे, मुझे तुम्हारी इतनी उम्दा शर्त मंजूर है।